नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस थाने को अब टेंट के बाद फतेहगढ़ को भी नवीन भवन लोकार्पण कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि जिस तरह कैंट थाने में उद्घाटन पट्टिका पे सांसद केपी यादव का नाम नहीं था, लेकिन इसमें पूरा ख्याल रखा गया कि कहीं उनका नाम ना छूट जाए। इस चिलिका पट्टी में सांसद केपी यादव का नाम उल्लेखित है। आपको बता दें, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा आज फतेहगढ़ में नवीन थाना का लोकार्पण किया गया। ये थाना अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस अवसर पर एसपी राजकुमार मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी संबोधित किया। और अब एसपी साहब, बहुत जल्दी अपन बमोरी का थाना भी बनवाए, सिरसी का भी लग्गा लगाए, आप तो प्रस्ताव देते जाइए, गृह मंत्री जी से बंद कराते जाइए। एक सुझाव मेरा है कि जो बड़े बड़े कस्बे हैं उसमें लाइट की व्यवस्था हैलोजन लगने चाहिए और सीसीटीवी कैमरे, जिससे कि अपराधी का आना जाना उसमें कैद हो सके सीसीटीवी कैमरे में, वो भी अपन को आगे बढ़ चढ़ कर करना है। अगर आप प्रस्ताव देंगे तो मैं अपनी विधायक निधि से भी सहयोग करने के लिए तैयार हूं। ये फतेहगढ़ का क्षेत्र ये बहुत ही आपराधिक क्षेत्र रहा है, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर पीछे लगा हुआ है। इधर चले जाओ पाड़ोल और बर्मल बमोरिया, इधर चले जाओ तो कुबरा जो धरनादा का क्षेत्र है, तो जितना भी इन्फिल्ट्रेशन अपराधियों का होता था वो इसी क्षेत्र से होता था। तो आज मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे पुलिस कप्तान के नेतृत्व में आज सड़कों पर ना तो लूट हो रही है, ना डाके पड़ रहे हैं, जुआ सट्टे पे भी कंट्रोल हुआ है, और जो स्मगलिंग होती थी स्मैक की राजस्थान से मध्य प्रदेश में, उस बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील करने में हमारे पुलिस कप्तान। वहीं कार्यक्रम को कलेक्टर फ्रैंक नवल ने भी संबोधित किया। जब एसपी साहब ने आइडिया, हमारी एक मॉनिटरिंग सेल की बैठक होती है जहां पर जिला न्यायाधीश एसपी साहब और हम लोग बैठ के महीने में एक बार हम लोग बैठते हैं डिस्कस करने के लिए, तब एसपी साहब ने आइडिया रखा था और न्यायाधीश गणों के बीच में भी आइडिया बहुत अच्छा लगा, उनको भी बहुत एक पॉजिटिव मैसेज लगा कि अगर हम इस चीज़ों को हम निराकरण, अगर क्राइम के लिए पनिशमेंट ही नहीं क्राइम को रोकने के लिए अगर हम प्रयास करें। एसपी राजीव कुमार मिश्रा द्वारा थाने की सुविधा के बारे में जानकारी दी गई। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में उनके द्वारा उनके कर कमलों से आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में ये संपन्न होने जा रहा है। एक लंबे समय से इसका निर्माण कार्य चल रहा था, परंतु विगत समय में कोरोना और अन्य समस्याओं के कारण बीच में काम रुकने के कारण ये टलता रहा,